मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खास तौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6ठे चरण में आज मतदान हो रहा है, तो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा भी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और आज 6ठे चरण का मतदान है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है। और आज 6ठे चरण का जो चुनाव है, इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300-300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। 7वें चरण में यह आंकड़ा 2017 के तर्ज पर रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में अंगीकार किया, 17 में किया, 19 में किया और 2022 में भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। जो उत्साह है खास तौर पर माताओं बहनों में, मैं इसको कह सकता हूं कि 80% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी, 20% सीटों में बंटवारा होगा जिसमें पूरा विपक्ष आपस में इन सीटों को लेकर के उन 20% सीटों में ही उनमें आपस में बंटवारा होना है। दूसरा, जनता जनार्दन से मेरी अपील है, जो आज के इस 6ठे चरण में मतदान करने के लिए प्रातःकाल से ही अपने अपने मतदान केंद्रों में बूथों पर एकत्र हुए हैं, उन सब से मेरी अपील है कि वे मतदान स्वयं भी करें और हर एक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान करने के लिए अवश्य प्रेरित भी करें, क्योंकि राजनीति को कुछ लोगों ने वंशवाद,
भ्रष्टाचार, माफियावाद और आतंकवाद के समर्थन का पर्याय बनने का कुत्सित प्रयास किया है। अगर हमें इस विकृति से बाहर निकलना है, वंशवाद की राजनीति से, जातिवाद की राजनीति से, मत और मजहब की राजनीति से, माफियावाद और आतंकवाद जैसी दुष्प्रवृत्ति से बाहर निकलना है, तो हम मतदान करें और विकास, सुशासन, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करें। आज के दिन पर कोई भी व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमें सत्ता में रहने का अवसर नहीं मिला। सबको जांचा है, परखा है और थोड़ी सी चूक कहीं बाद में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग भी होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। यही मेरी उन सब से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।